नमस्कार, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनोज तिवारी। तो नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबर पर। सागर जिला के गड़ाकोटा थाना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां रविवार की रात ग्राम छल्ला में खेत की बखरनी करने के बाद घर लौटते समय एक व्यक्ति की गाली गलौज के विवाद पर स्वजातीय व ग्राम के ही 6 लोगों ने मिलकर सिर में फावड़े से धारदार हथियारों से निर्मम हत्या कर दी, जिसे परिजनों द्वारा डायल 100 की मदद के बाद गड़ाकोटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मृत अवस्था में लाया गया। वहीं घटना की जानकारी लगते ही थाना प्रभारी सुमित शर्मा व स्टाफ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गड़ाकोटा पहुंचा। परिजनों से बात कर अपराध दर्ज कर घटना की बारीकी से विवेचना शुरू कर दी है, साथ ही थाना टीम घटना स्थल पर रवाना भी हो गई। पुलिस के अनुसार मदन प्रताप प्यारेलाल कुर्मी 40 वर्ष के साथ मारपीट हुई है, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मृत अवस्था में लाया गया था। ग्राम छल्ला निवासी मदन के साथ गाली गलौज के विवाद पर जित्तू कुर्मी, महेंद्र कुर्मी व उसके 4 रिश्तेदारों ने मारपीट की थी, जिससे उसकी मौत हो गई। मौके पर पंचनामा कार्रवाई की गई। घटना खेत से लौटते समय की है, जब शाम को आरोपी पक्ष द्वारा विवाद कर गाली गलौज हुई थी, उसी को लेकर बुराई बस आरोपियों ने मारपीट कर दी, जिसके चलते मदन की मौत हो गई। रवि सोनी, बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज, गड़ाकोटा। अभी ग्राम छल्ला से सूचना मिली कि एक आदमी के साथ मारपीट हुई है, मारपीट के दौरान उसे अस्पताल लेके आए, जो यहाँ खत्म हो गया है, जिसका नाम मदन प्रताप प्यारेलाल कुर्मी, उम्र 40 साल, निवासी छल्ला द्वारा बताया। इसके साथ गाली गलौज के विवाद पर से जित्तू कुर्मी, महेंद्र कुर्मी और उसके अन्य 4 रिश्तेदारों ने मारपीट की थी, जिससे खत्म हो गया। इसके मौके पर पूछताछ कार्रवाई की जा रही है और मर्ग पंचनामा कार्रवाई शुरू की जाएगी। सर, बताया जा रहा है खेत से लौटते अपनी घटना हुई। अब खेत से लौट रहा था, इसका शाम को कोई विवाद हुआ था, गाली गलौज हुई थी आरोपी पक्ष के साथ, उसी बात बुराई को लेकर उन्होंने उसके साथ मारपीट कर दी है, इस दौरान ही मारपीट से खत्म हो गया है। हाँ, एक डेड बॉडी तो आई है मृत अवस्था में, 100 डायल द्वारा लाया गया है। मृतक का नाम मदन है और पिता का नाम प्यारेलाल, छोटा ग्राम